Hello everyone, welcome to this online channel by Unique High School, Bariatown Campus, Lahore. I am Yasser and this video is specifically for class 6th and I am going to start second poem of your textbook, The Old Brown Horse. इससे पहले जो आपकी first poem थी, Mother to Son, और जो first lesson था Nico Bobbiness, वो हम class में cover कर चुके हुए हैं. तो आज second poem, The Old Brown Horse, हम start कर रहे हैं. So let's see. This poem is written by W.F. Holmes. ये आप देख सकते हैं ये राइटर है यानी कि पोइट है इस पोइम का जिन्होंने इस पोइम को लिखा है और ये पोइम जो है एक ओल्ड ब्राउन हॉर्स के बारे में है जो कि अपने पास्ट को याद करता है और अपनी जगह पर जहाँ पे उसको जो है अभी बंद किया होता है यानी कि फेंस के अंदर वो लोगों को देख रहा होता है और अपने पास्ट को याद कर रहा होता है तो राइटर जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि जो एनिमल्स है वो भी जो है लिविंग बींग्स है और उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं वो भी हमारी तरह सोचते हैं हमें देखते हैं So let's start the poem. The old brown horse looks over the fence in a weary sort of way. He seems to be saying to all who pass, Well, folks, I have had my day. I'm simply watching the world go by, and nobody seems to mind as they are dashing past in their motor cars, a horse who is lame and half blind. The old brown horse looks over the fence. ठीक है यानी कि जो उधर horse था काफी बूढ़ा था वो fence से बाहर fence कहते हैं जो बाड़ लगाई होती है उनको एक जगह पर बंद करने के लिए वो उस fence से बाहर देखता है in a weary sort of way. Weary कहते हैं थके हुए अंदाज में tired. तो कह रहा है थके हुए अंदाज में वो लोगों को देखता है बाहर he seems to be saying to all who pass. वो जो है ऐसा लगता है कि वो उन सारों को कह रहा है जो कि उसे पास से गुजरते हैं Well folks, I have had my day. अच्छा लोगों मेरा भी कोई दिन था आई हैव हैड माई डे यानी कि वो अपने पास्ट को याद कर रहा है कि मेरे भी कोई दिन हुआ करते थे आई एम सिंपली वॉचिंग द वर्ल्ड गो बाय मैं सिर्फ लोगों को देख रहा हूँ यहाँ से गुजरता हुआ एंड नोबडी सीम्स टू माइंड और कोई भी मुझे मतलब बॉदर नहीं कर रहा है यानी कि मुझे नहीं देख रहा एज देयर डैशिंग पास्ट इन देयर मोटर कार्स और वो अपनी अपनी गाड़ियों पर जो है गुजर रहे हैं यहाँ से अ हॉर्स हु इज लेम एंड हाफ ब्लाइंड वो घोड़ा जो कि काफी लेम है और आधा अंधा हो चुका क्योंकि उसकी काफी जो है उम्र हो चुकी हुई है तो अब ये पूरे इसका जो फर्स्ट टेंस है उसमें राइटर जो है वो ये कहना चाह रहा है कि जो एक घोड़ा है वो वहां पर खड़ा हुआ है एक फेंस के अंदर है और जो भी वहां से लोग गुजरते हैं उनको वो देखता है और लोगों को ये कहता हुआ दिखाई देता है कि मेरे भी कुछ अच्छे दिन हुआ करते थे क्यों हुआ करते थे क्योंकि अब जो लोग गुजरे उसे जो है इग्नोर कर रहे हैं ठीक है और जो हॉर्स है वो इस चीज को माइंड कर रहा है अब वो लोगों को देख रहा है और लोग जो अपने अपनी मोटर कार्स में गुजर रहे हैं और हॉर्स जो है वो काफी वहां पे जो है खड़ा फील कर रहा है अब मोटर कार्स को उसने इसलिए जिक्र किया क्योंकि पहले जमाने में लोग हॉर्स कार्स जो है वो यूज किया करते थे यानी घोड़ों वाली जो गाड़ियां होती थी वो यूज करते थे लेकिन ऐसा ऐसा जब इंजन आगे कार्स बनना शुरू होगी तो लोगों ने उसको रिप्लेस कर दिया मोटर कार की वजह से तो इससे जो है वो हॉर्स बता रहे हैं कि मेरी जो इंपॉर्टेंस हुआ करती थी सिग्निफिकेंस हुआ करती थी उसे लोग जो ऐसा ऐसा भूल गए और अब हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया सो ये पूरा एक थीमेटिक व्यू था फर्स्ट स्टैंजा का सेकेंड स्टैंजा द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैज अ शैगी कोट का मतलब होता है जो उसके ऊपर ये हेयर्स होते हैं ठीक है ये वाले जो हेयर्स होते हैं इसको हम कहते हैं शैगी कोट बट वंस ही वॉज यंग एंड ट्रिम और एक वक्त था जब वो काफी यंग यानी जवान और ट्रिम यानी कि उसके जो हेयर्स है वो काफी कट हुए थे प्रॉपरली एंड ही यूज टू ट्रॉट थ्रू द वुड्स एंड लेन्स और वो काफी तेज दौड़ा करता था उन जंगलों में और उन गलियों में ट्रॉट कहते हैं तेज दौड़ना With the man who was fond of him और उस आदमी के साथ वो दौड़ा करता था जो कि उसका काफी शौकीन था यानी इसका जो मालिक था हॉर्स का उसकी बात कर रहा है बट इज मास्टर राइड्स इन अ मोटर कार लेकिन अब उस जो उसका मास्टर है उसका आकर उसका मालिक है उसने जो अब एक कार रख ली हुई है एंड इट मेक्स हिम फील क्वाइट सैड और ये चीज उसको जो है काफी अफसुर्दगी देती है वेन ही थिंक्स ऑफ द डेज दैट यूज टू बी और जब वो उन दिनों के बारे में सोचता है एंड ऑफ ऑल द टाइम्स दे हैड और वो सारा वक्त जो कि उनका आपस में था तो अब इसमें वो ये कह रहा है कि अब मेरी जो हालत है वो काफी बूढ़ी हो चुकी हुई है मेरे हेयर जो प्रॉपरली कट नहीं है लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उसके जो हेयर थे वो काफी कट हुआ करते थे और वो काफी जवान हुआ करता था और वो तेजी से दौड़ा करता था जंगलों में और जो गलियों में दौड़ा करता था लेकिन अब जो उसका मास्टर है जो उसको दौड़ाया करता था उसने एक कार रख ली हुई है और मुझे उसने प्रॉपरली इग्नोर कर दिया हुआ है इस स्टैंजा में राइटर कह रहा है कि जो हॉर्स है वो अपने पास के बारे में सोच रहा और सोच रहा है कि मैं कितना यंग हुआ करता था और मेरी हालत कितनी अच्छी थी और जो मेरा मालिक था ऑनर था वो किस तरह मुझे दौड़ाया करता था गलियों में सड़कों में और काफी मैं तेज दौड़ा करता था लेकिन अब मेरी जो हालत है वो काफी बुरी हो चुकी है क्योंकि अब मैं ओल्ड हो चुका हूं और मुझे जो है अब इग्नोर किया जाता है सो तो ये सेकेंड स्टैंजा जो था इसका पूरा ओवरव्यू है Here is third stanza. Sometimes a friendly soul will stop near the fence where the tired old head.
rests wearily on the topmost bar, and a friendly word is said. Then the old brown horse gives a little sigh as he feels the kindly touch of a hand on his mane or his shaggy coat, and he doesn't mind so much. अब इसमें वो कह रहा है कि समटाइम्स अ फ्रेंडली सोल विल स्टॉप, यानी कि जो लोग इधर से गुजर रहे वो कई बार कोई एक ऐसा दोस्ताना बंदा होगा जो यहाँ पर रुकेगा, नियर द फेंस, इस बार के पास, वेयर द टायर्ड ओल्ड हेड, जहाँ पर ये बूढ़ा घोड़ा रेस्ट वेरीली ऑन द टॉप मोस्ट बार, जो कि यहाँ पर आराम कर रहा होगा. टॉप मोस्ट बार का मतलब है जो सबसे पहली बार होती है. एंड अ फ्रेंडली वर्ड इज सेड, और वो उसे कुछ अच्छे कलाम कहे गए यानी कि काइंडनेस के अंदर. देन द ओल्ड ब्राउन हॉर्स गिव्स अ लिटिल साई, तो वो जो है एक काफी भारी सांस लेगा. एज ही फील्स द काइंडली टच, जैसे ही उसको जो है कुछ रहम नजर आएगा. ऑफ अ हैंड ऑन इज मेन और इज शैकी कोट, जो कि उसके गर्दन के ऊपर बालों पे वो अपना हाथ फेरेगा, जो वो होगा इंसान जो उसके पास से गुजरेगा, और उसे कुछ फ्रेंडली वर्ड्स कहेगा. एंड ही डजेंट माइंड सो मच, और वो इस चीज़ को जो है बिल्कुल माइंड नहीं करेगा, यानी कि उसको अच्छा फील होगा. तो इसमें वो बता रहा है कि लोग जो इसे इग्नोर करते हुए गुजर जाते हैं, अगर वो यहाँ पर रुके उसे कुछ काइंड वर्ड्स कहे, तो जो हॉर्स है उसको भी अच्छा लगेगा और उसे फील होगा कि वाकई लोग जो मेरी अभी भी कदर किया करते हैं. ओके, सो हियर इज द फोर्थ स्टैंजा. So if you pass by the field one day, just stop for a word or two with the old brown horse who was once as young and as full of life as you. He will love the touch of your soft young hand, and I know he will seem to say, oh, thank you, friend, for the kindly thought. For a horse who has had his day. इसमें वो कह रहे कि सो इफ यू पास बाय द फील्ड वन डे, अब यानी राइटर जो है वो आपसे मुखातिब है, रीडर से अपने मुखातिब है कि अगर तुम उस फील्ड यानी उस खेत के पास से गुजरो एक दिन, जस्ट स्टॉप फॉर अ वर्ड और टू, तो एक या दो अल्फाज के लिए सिर्फ रुक जाओ, विद द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हु वाज वंस एज यंग, उस घोड़े के लिए दो तीन अल्फाज कहो जो कि कई एक बार जो है किसी वक्त में काफी जवान हुआ करता था. एंड एज फुल ऑफ लाइफ एज यू, और तुम्हारी तरह काफी चुस्त था. He will love the touch of your soft young hand, और तुम्हारे जो है खूबसूरत हाथ जो कि उसके गले पर पड़ेगे, वो उससे काफी खुश होगा. And I know he will seem to say, और मुझे पता है वो ये कहेगा, oh thank you friend for the kindly thought, तुम्हें वो शुक्रिया अदा कहेगा और कहेगा कि तुमने जो मुझे वर्ड्स कहे उसके लिए काफी शुक्रिया. For a horse who has had his day, उस घोड़े के लिए जो कि काफी अच्छा उसका पास था. तो अब इस पूरी पोम के अंदर जो है राइटर कह रहा है कि जो घोड़े हैं वो भी जो है एनिमल्स होते हैं, उनके साथ भी काइंडनेस से पेश आना चाहिए. जब वो बूढ़े हो जाए तो ये इसका मतलब ये नहीं कि उनको आप एक साइड पे कर दो, उनकी इंपॉर्टेंस वही रहती है, सिग्निफिकेंस उनकी वही रहती है, और ये भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है. और दूसरी बात इसके अंदर वो ये करता है कि जब पहले जमाने में गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, बाइक्स नहीं हुआ करती थी, तो लोग जो है इन घोड़ों के थ्रू जो है अपना सफर किया करते थे, तो उस वक्त ये काफी कारामद थे. तो वो उस चीज को याद दिलाते हुए वो कहता है कि अभी भी इनकी उतनी ही खासियत है, क्योंकि अब लोगों ने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया और वो भी फील करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम द ओल्ड ब्राउन हॉर्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.